इंडिया 360 आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की है और सरकार में मुलायम सिंह के कुनबे का बोलबाला है, लेकिन इसी कुनबे की आपसी खींचतान अब बाहर आ गई है। भतीजा अखिलेश और चाचा शिवपाल में हक और वर्चस्व की जंग ऐसी छिड़ी है कि सुलह के लिए दिल्ली से परिवार के मुखिया मुलायम का बुलावा तक आ गया। का जो अधिकार है उसका वो पालन कर रहे हैं। ये सरकार का झंडा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झंडा नहीं दिखाई दे रहा। नेताजी के बात को किसी की हैसियत नहीं है टालने की। बिना किसी का सीधा नाम लिए अगर वार पलटवार वाला युद्ध देखना हो तो फिर मुलायम सिंह के कुनबे में चल रहे महाभारत को देखिए। चाचा शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी में नेताजी यानी भाई मुलायम सिंह यादव के फैसले को आखिरी बताया है तो भतीजे अखिलेश यादव का दावा है कि कुछ फैसले उनके भी हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी में एक ही बॉस है, वो है नेताजी, और नेताजी के जो भी निर्देश आदेश उसको सभी को पालन करना होगा। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से और नेताजी का मानना भी काम किया। घर के गृह युद्ध पर विराम लगाने के लिए परिवार के मुखिया मुलायम ने शिवपाल और अखिलेश दोनों को दिल्ली तलब किया। सैफई से शिवपाल पहुंच चुके हैं लेकिन अखिलेश फिलहाल लखनऊ में ही डटे हैं। अखिलेश शिवपाल में अदावत तो पुरानी है लेकिन मंगलवार को मुलायम ने शिवपाल को यूपी समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाकर नया ट्विस्ट दे दिया। इस फैसले के तुरंत बाद अखिलेश ने शिवपाल से 8 अहम मंत्रालय छीन लिए। फिर क्या था, घर की लड़ाई बेपर्दा हो गई। पार्टी का झगड़ा इस बार जिस तरह से सड़क पर आया है वैसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है मुलायम सिंह यादव कोई बीच बचाव का रास्ता निकाल ले और कोई सुलह सफाई हो भी जाए, लेकिन चुनाव के समय इससे पार्टी की जो फजीहत हुई है उसे विपक्षी पार्टियां जरूर खुश होंगी। शिवपाल और अखिलेश आपस में सीधे बात नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे तक अपनी बात और तेवर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहुंचा रहे हैं। गेंद अब नेताजी यानी मुलायम सिंह के पाले में है। सैफई से रीमा पाराशर और लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव और बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। हम आपको बता दें कि मुलायम परिवार में कानून व्यवस्था की बिगड़ी हालत की कहानी कोई नई कहानी नहीं है। हालांकि कई ताजा मामलों ने इस झगड़े में एक तड़का जरूर लगाया लेकिन शुरुआत 2012 में ही हो गई थी। रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आई है चाचा भतीजे के में। चाचा भतीजे के मुझे तो नहीं लग रहा है। अपने हाथ से कई अहम मंत्रालय छीने जाने और पसंदीदा मुख्य सचिव दीपक सिंघल को हटाए जाने से चाचा शिवपाल यादव तिलमिला गए हैं। नाराजगी ऐसी कि 11 मिनट तक सैफई में मीडिया से बात की लेकिन बार बार भतीजे को मुख्यमंत्री ही कहा, अखिलेश नहीं। अब ये मानते हैं कि रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आई है चाचा भतीजे के में। चाचा भतीजे के मुझे तो नहीं लग रहा है, उनका जो अधिकार है उसका वो पालन कर रहे हैं। मेरा अधिकार है, मैं उसका पालन कर रहा हूँ। हम आपको बता दें कि सियासत में शिवपाल और अखिलेश के बीच अदावत की कहानी करीब 4.5 साल पुरानी है। 2012 में यूपी विधानसभा में जीत के बाद मुलायम ने बेटे अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि सूत्र बताते हैं कि शिवपाल सीएम बनने का मंसूबा पाले बैठे थे। समाजवादी पार्टी में मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के विलय पर शिवपाल यादव का जोर है, जबकि अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं है। अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी के पीछे भी शिवपाल यादव की कोशिश ही बताई जाती है और अखिलेश इसके भी खिलाफ थे। जहाँ तक मुख्तार अंसारी इसका सवाल है, ही नहीं सवाल उसका। उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, एक्सप्रेस वे बने, जो लखनऊ तक छू गया है वो कैसे गाजीपुर और बलिया तक पहुंचे, ये सवाल होना चाहिए। करीब 15 दिन पहले भी मुलायम सिंह ने अखिलेश शिवपाल और राम गोपाल यादव की बैठक बुलाकर समझौता करवाया था, लेकिन वो युद्ध विराम भी अब टूट गया है। खास बात यह है कि मुलायम मानसिक रूप से अखिलेश के साथ हैं तो राजनीतिक बंदिश उन्हें शिवपाल के समर्थन को भी बाध्य करती है। सैफई से रीमा पराशर और लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव और बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए अब उत्तर प्रदेश के बाद सीधे रुख करते हैं बिहार का। बिहार में पत्रकार मर्डर केस में जो शूटर पुलिस से भागता फिर रहा था
वो आज मीडिया को इंटरव्यू देता हुआ नजर आया। लेकिन जब मंत्री तेज प्रताप के साथ उसकी तस्वीर वायरल हुई तो सिवान पुलिस की नींद टूटी। साख बचाने के लिए पुलिस उसे रंगदारी के एक पुराने मामले में गिरफ्तार करने में जुट गई है। पहले शहाबुद्दीन के साथ नजर आया वो, फिर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के साथ सामने आई तस्वीर। जिस शख्स की तस्वीर आप लाल गोले में देख रहे हैं वो बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन के कत्ल का आरोपी मोहम्मद कैफ है। पुलिस की नजर में कैफ फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए जहां तहां कोशिशें हो रही है, लेकिन जिस शार्प शूटर को बिहार की पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई उसके पास आज तक बड़ी आसानी से पहुंच गया। 2014 की या 15 की ये तस्वीर होगी, आपको कौन सी गलत बात है? मैंने अपने मेरे चाहने वाले फेसबुक पर वायरल कर दिया होगा, मुझे तो फेसबुक ठीक से अभी इतना चलाना भी नहीं आता है। तो आप मानते हैं कि तेजस्वी आपके आइकॉन है? एकदम मानता हूँ आइकॉन है, क्योंकि यूथ ही तो आज दुनिया बिहार को आगे बढ़ा रहा है। मैं उनके साथ हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी कुछ, मैं भी मेरे घर वाले को पूरा सिवान के नाम को रोशन करूँ। शहाबुद्दीन और तेज प्रताप के साथ नजर आने वाला कैफ खुद को क्रिकेटर बताता है और अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश। भैया मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि मैं क्रिकेटर हूं और पूरे नॉर्थ बिहार में हमारे इतना ट्रॉफी घर हो किसी घर तो आप जो कहिए। दूसरी बात ये हत्या का सवाल जाना, मैं आपको बता दूं कि मेरा रिलेशन क्या था राजदेव भैया से। जब से मेरा इस लालछन लगा है पूरे घर वाले हमारे बहुत ही ग्रसित हैं, आंसू बहा रहे हैं। ये जितने भी बेबुनियादें हैं सारी झूठी बातें हैं, सारी एकदम बकवास बातें हैं। कैफ कितना सच बोल रहा है ये तो जांच का विषय है, लेकिन उसकी वायरल तस्वीरों ने बिहार में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। पटना में महागठबंधन के नेताओं ने धरना दिया और शहाबुद्दीन पर सीसीए लगाने के अलावा जमानत के खिलाफ सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग की। तो हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन को जेल के अंदर बंद रखा जाए, सीसीए लगाया जाए, बिहार से बदर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में उसके बेल का विरोध करना चाहिए था। उधर कत्ल के आरोपी के साथ तस्वीरों की वजह से विपक्ष के हमले से बौखलाए तेज प्रताप ने भी तीखा पलटवार किया, विवाद में सीधे प्रधानमंत्री को घसीट लिया। जरा तेज प्रताप के फेसबुक पोस्ट पर गौर कीजिए। जो लोग इस फोटो के आधार पर मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं वो पहले नरेंद्र मोदी से इस फोटो के आधार पर इस्तीफा मांगे जो मैं पेश कर रहा हूँ। ये टीनू जैन सेक्स रैकेट चलाता था, जाने किन किन को क्या सप्लाई करता था। ये भाजपा का सदस्य भी था, प्रधानमंत्री से लेकर हर बड़े भाजपा नेता तक पहुंच भी थी। भाजपा की शह पर नमो आर्मी ब्रिगेड भी चला रहा था और सभी भाजपा नेताओं के साथ इसके फोटो और संबंध भी है। साफ है तस्वीरों पर बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस सियासत में असली सवाल गुम हो रहे हैं और अगर कैफ शार्प शूटर है और पत्रकार मर्डर केस का आरोपी तो वो कानून की गिरफ्त से आजाद कैसे है? नीतीश कुमार के खिलाफ शहाबुद्दीन की हुंकार और अब एक शार्प शूटर की तस्वीर तेज प्रताप यादव के साथ सामने आना, ये तमाम घटनाक्रम से बिहार सरकार की काफी फजीहत हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार चुप क्यों है? क्या सरकार चलाने की मजबूरी उन्हें कोई कड़ा फैसला लेने से रोक रहा है? रोहित सिंह, पटना, आज तक। इधर मिर्जापुर में राहुल गांधी की सभा और सभा में फिर से खटिया लूटने की कोशिश। खाट सभा खत्म होते ही वहां मौजूद लोग खटिया और मोढ़े उठाकर वहां से जाने लगे। एक तरफ लोगों ने खटिया अपने सिरों पर लादना शुरू किया, दूसरी ओर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लोगों से खटिया छीनना शुरू किया। ये तस्वीरें देखिए, हालांकि कुछ लोग फिर भी खटिया ले जाने में सफल रहे, जो नाकाम रहे उन्होंने गुस्से में कहा खटिया नहीं तो वोट नहीं। तो ये खटिया सभा तो जैसे मुसीबत बन गई। राहुल गांधी के दूसरे चरण की यात्रा की पहले खाट सभा की शुरुआत भी खटिया लूट से हुई। हम इस वक्त मिर्जापुर में हैं और मिर्जापुर में भी जैसे ही राहुल गांधी की सभा खत्म हुई खटिया के लूटने का सिलसिला शुरू हो गया। अब भी इन्हें रोका जा रहा है चारों तरफ से, लेकिन लोग इसे लेकर के जाना चाहते हैं। कई लोगों ने तो बाकायदा खटिया पर अपना जमा रखा है कि जब तक खटिया लेके नहीं जाएंगे तब तक वो बैठे रहेंगे। आप देख सकते हैं कई लोग हैं जो इस वक्त भी खटिया पर बैठे हुए हैं, कई लोग ले करके जा चुके हैं। दरअसल बहुत सारे लोग यहाँ आए थे सुनने के लिए और साथ साथ खटिया लेकर जाने के लिए, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोका है। बावजूद इसके खटिया लूट यहाँ भी दिखाई दे रही है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, मिर्जापुर, आज तक।
इसी के साथ इंडिया 360 में एक ब्रेक, ब्रेक के बाद दिखाएंगे पंजाब विधानसभा में हुआ जूता का, देखते रहिए आज तक। कमिंग अप के प्रायोजक थे पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पतंजलि लाया है आपके परिवार के लिए फाइबर युक्त भूरे रंग का गेहूं का आटा, श्रेष्ठतम व सस्ता आयोडीन नमक, प्रोटीन से भरपूर अनपॉलिश्ड नेचुरल दालें और 2 वर्ष पुराना असली बासमती चावल। Look around you, different things, born out of honesty and passion. It is the product of the hands, but even more, a creation. Of the mind. Software. It's our craft, our identity, inspired by simplicity, designed to make things work for you. Zoho, made in India, made for the world. Hey, chalo, humko baithne ki jagah de. Wo dekho. Rangar Cement, sasta nahi, sabse acha. We look good together. We look good together. We look good together. We look good together. Crimson Club. दादी को शहद पिलाना, चाचा को ठूस के खिलाना, चाची के नाम का उसे आता है खुशियों में मिठास बढ़ाना, पर फिर सब क्यों भूल जाते हैं उसे बताना। तो चलिए महक को अब बताते हैं। 19 सितंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे जी टीवी पर। मिराज पराठा कितना आसान, बस पैकेट खोलो और खाओ, बिल्कुल घर जैसा स्वाद, हर सफर का साथी। मिराज पराठा, रेडी टू ईट। कंपेयर नहीं करेगा तो बढ़ेगा उल्लू। policybazaar.com पर 20 से ज्यादा कंपनीज के टर्म इंश्योरेंस प्लान्स कंपेयर करो और पाओ 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ ₹515 पर मंथ में। सर ये देखिए, एक के साथ एक फ्री सेविंग करनी हो तो ले लीजिए। एक सेविंग ऐसी भी होती है जो पहले पैसे बचाए बाद में जेब खाली कर जाए। सिस्का ट्रिपल एडवांटेज, असली सेविंग। आस्क फॉर सिस्का, सिस्का एलईडी, लाइट इयर्स अहेड। सिस्का। बाकी सब तो ठीक है, तुम्हारे पास कुछ स्पेशल है तो बताओ। स्पेशल हाँ है ना, ग्रेट लुक्स, डिजिटल मीटर, 5 स्पीड अलॉयज विद कॉम्बी ब्रेक्स एंड 5 स्पीड ट्रांसमिशन। आप है स्पेशल क्योंकि आपकी बाइक है स्पेशल। सो हाउ वाज योर इंटरव्यू? स्पेशल होंडा सिटी शाइन 125 SP, ये तो स्पेशल है यार। इंडिया 360 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकतंत्र एक बार फिर शर्मसार हुआ, जो कभी नहीं हुआ था वो आज पंजाब विधानसभा में हुआ। कांग्रेस विधायक ने सदन में अकाली विधायक की तरफ जूता फेंक दिया। ये देश में लोकतंत्र के गिरते स्तर की तस्वीर है। पंजाब सरकार में मंत्री मदन मोहन मित्तल जो जूता ट्रॉफी की तरह सबको दिखा रहे हैं, वो जूता कांग्रेस विधायक त्रिलोचन सुंड ने विधानसभा में अकाली दल के विधायक विरसा सिंह वल्टोहा पर फेंका था। सुंड के मुताबिक वल्टोहा ने जाति सूचक टिप्पणी की थी। मैंने बगैर बजा नहीं जूता,
मेरे को और मेरी जाति को वीरसा सिंह बटोहा ने गाली निकाली। उसके रिएक्शन के में मैंने वीरसा सिंह बटोहा के ऊपर जूता मारा। किसको लगा ये मुझे मालूम नहीं। अगर कोई दोबारा ऐसी गलती करेगा, ये तो एक जूते की बात करते हैं, लोगों ने इन्हें इनके गले में जूतों के हार डालने हैं। वोटे मांगने जाएंगे, लोग इनके गले में जूतों के हार डालेंगे। यूं तो देश के लोकतांत्रिक इतिहास में विधानसभा के भीतर कई शर्मनाक घटनाएं हुई हैं, लेकिन जूता फेंके जाने की ये घटना पहली है। मैंने उठ के बोला कि आप प्रोटेस्ट करो, मर्यादा में रह के प्रोटेस्ट करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस बात की डेस्परेशन हो गई है, आज कांग्रेस पार्टी को इतनी बकलाहट हो गई है कि आपका ग्राफ इतनी तेजी से गिर रहा है कि आप अब इस शर्मनाक हाथ काम पे आ जाओगे। दरअसल पंजाब सरकार और कांग्रेस के बीच तनाव पिछले दो दिनों से चल रहा था। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने की मांग को लेकर पिछले दो रात से कांग्रेस के 26 विधायक सदन में डटे हुए थे, लेकिन माहौल तब बिगड़ना शुरू हुआ जब विधानसभा में मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया और वीरसा सिंह वल्टोहा ने विधानसभा में दो रात गुजारने वाले कांग्रेस विधायकों पर सदन में शराब पीने और नॉन वेज खाने का आरोप लगाया। आरोप से तिलमिलाए कांग्रेस विधायक स्पीकर पर फाइल और पेपर फेंकने लगे, और इसी बीच कांग्रेस विधायक ने जूता अकाली मंत्री पर फेंक दिया। हालांकि कांग्रेस विधायकों ने इन आरोपों को अकाली दल की मनगढ़ंत कहानी करार दिया है, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या सदन में जूता फेंकना सही था। विरोध प्रदर्शन के नाम पर लगातार दो रातें विधानसभा में गुजार कर कांग्रेस के विधायकों ने जहां एक नया रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं स्पीकर के ऊपर कागज और फाइलें फेंककर और मंत्रियों के ऊपर जूते फेंककर कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मर्यादाओं का भी हनन किया है। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान से आए 6 आतंकियों को घंटों के एनकाउंटर के बाद आखिरकार मार गिराया गया। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए। साथ ही सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सुरक्षा बलों ने मिनी सचिवालय की पूरी तरह से छानबीन भी की। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को कई AK-47 राइफल्स, सैकड़ों गोलियां, कई मैगजीन, कई राउंड्स मिले। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हथियार बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन और 13 सितंबर जब पूरी इमारत को ही उड़ा दिया गया, 6 आतंकी इसमें ढेर हुए थे। पाकिस्तान की साजिश का एक बार फिर से भंडाफोड़। शिवपाल यादव की मैराथन बैठक चली भाई मुलायम सिंह यादव के साथ, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफे की अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। मंत्री हूं, मंत्री रहूंगा, ये कहा है शिवपाल यादव ने। बीते दिन आपको बताएं जब यूपी समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष शिवपाल यादव को बना दिया था मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश की जगह, तो अखिलेश यादव ने फिर देर शाम कई विभाग शिवपाल यादव के छीन लिए थे। नेताजी ने मुझे अध्यक्ष पद दिया है, शिवपाल यादव ने कहा, अध्यक्ष पद का निर्वहन करूंगा और मंत्री हूं, मंत्री रहूंगा। तो लगता है मुलायम जी मना लिए भाई शिवपाल यादव। मुलायम वैसे भी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे, और लगता है कि मामला फिलहाल के लिए कम से कम तूफान जरा सा थमता हुआ दिख रहा है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव अभी इस पर क्या कहते हैं और कैसे ये लड़ाई आगे बढ़ती है, दिलचस्प होगा। कल संसदीय बोर्ड की भी बैठक है समाजवादी पार्टी की। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार खेल की खबर।